बिल्कुल नॉर्थ पोल जैसा महसूस हो रहा है। ठंड है, मुझे कुछ कपड़े पहनने होंगे। ठीक है, चलो देखिए। चलो देखिए ये क्या है। चुना मत, टॉप सीक्रेट। ये क्या हो सकता है? मैं सूजी को बुलाता हूँ, वो पता कर लेगी। सूजी! सिर्फ देखो इस बॉक्स में क्या है, ध्यान से एक पर लिखा है चुना मत, ध्यान से। सिर्फ फिक्र मत करो सामी, हम पता लगा लेंगे। और वो सीक्रेट्स, मैं इंतजार करूँ। ठीक है, इसे नीचे रखो, एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, इसे अब नीचे रखो आराम से। हाँ, मैं ध्यान से कर रही हूँ। अच्छे और धीरे से कैंची को लेकर आराम से काट रहे हो। हाँ, आराम से, सेफ्टी सबसे जरूरी है। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले अपनी आंखें बचाओ। शुक्रिया सामी, इस बॉक्स को और ध्यान से हैंडल करना होगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं, खोल रही हूँ। और यहाँ इंस्ट्रक्शंस लिखी है, तो तुम्हें स्लाइम बनानी है। चलो शुरू करें। अब मुझे सब समझ आ गया। अब चैन मिला, लेकिन मैं अपनी प्रोटेक्शन का सामान नहीं उतारने वाला। कोई बात नहीं सामी, मैं पता लगा लूंगी। ठीक है, चलो देखते हैं कि जब स्लग दीवार से फिसल गया तो उसने क्या कहा। स्लाइम उड़ता है। हंसना बंद करो सी, चलो देखिए अंदर क्या है। तो हमें इसमें यूनिकॉर्न स्लाइम किट मिली है, ना जाने बॉक्स में क्या है। आहा, ग्लू, शायद ये ट्रांसपेरेंट है। ये किसी भी स्लाइम का कंपोनेंट है। अगला बोरिक्स है, एक्टिवेटर। इसे ध्यान से इस्तेमाल करना होगा और इसे पानी में मिलाना होगा। ये स्लाइम के पार्ट्स है, 2 और 3 और स्टायरोफोम बॉल्स के 4 बैग्स। ये कितने कलरफुल है, मैंने जरूर इस्तेमाल करूंगी। और यहाँ कुछ चमकने वाला भी है, ये स्केल्स की तरह दिख रहे हैं। ओह, मैंने स्लाइम से मिलाने का इंतजार नहीं कर सकती, कितने सुंदर है। ओह, इसमें और भी है। हाँ, कुछ दिलचस्प है, ये शुगर की तरह दिखता है पर ये स्नो पाउडर है। पता नहीं इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। और ये क्या है, ये पोल्स और बीच की तरह दिखते हैं, काफी दिलचस्प है, ट्रांसपेरेंट भी। मैं इसे बाद में देखूंगी। ओह, ये तो और भी ज्यादा पोल जैसे दिख रहे हैं, काफी सुंदर और रंगीन। और सबसे बड़े बैग में है क्या? ओह, ये क्ले है, मैंने इससे पहले स्लाइम में कभी क्ले नहीं डाली, दिलचस्प है। यहाँ हमारे पास कई छोटी छोटी बॉटल्स हैं। ये सेंट्स है, स्ट्रॉबेरीज, वैनिला, कैंडी और बबल गम। यहाँ तो और भी बॉटल्स हैं। चलो इन्हें बाहर निकालें। ये कलरिंग्स हैं। कितने सुंदर पेस्टल कलर्स हैं। चलो फिलहाल इन्हें साइड रख देते हैं। और यहाँ और भी है, स्लाइम रखने के लिए कंटेनर्स, ढक्कन और मेजरिंग कप्स। और क्या ये यूटेंसिल्स है? नहीं, ये स्लाइम बनाने के टूल्स है। चलो देखें क्या हमारे पास कुछ है। ठीक है, ब्लू और पिंक और पर्पल। यप, हाँ, लगता है हमारे पास सब कुछ है। हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलो देखें कि इंस्ट्रक्शंस क्या कहते हैं। पहले हमें बोरिक्स सॉल्यूशन बनाना होगा। ऐसा करने के लिए हमें बोरिक्स पे पानी मिलाना होगा। ये रही हमारी बोरिक्स की बॉटल, ढक्कन खोल दिया और इसमें पानी डालें बिल्कुल ऊपर तक, थोड़ा सा और, इतना काफी होगा। ये मार्क दिख रहा है, अब ढक्कन वापस लगा दें और शेक करना शुरू करें। अशिक शिक शिक, अशिक शिक शिक। खैर, तुम्हें पता है ये कैसे होता है? अब हम पहला स्लाइम बनाने के लिए तैयार है। हमें जरूरत है एक बोल, एक कप और बिल्कुल ग्लू की।
पहले हम मेजरिंग कप लेंगे और उस पर थोड़ी ग्लू डालेंगे और ऐसे, फिर ग्लू को बोल में डालेंगे सारी की सारी। चलो बोरिक सॉल्यूशन लेते हैं और कुछ बूंदे डालें और इसे प्यारे से स्नूप से मिलाते हैं। ये प्रोसेस तेज नहीं है तो हम इसे फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। आहा, लगता है हमारी स्लाइम बन गई। चलो इसे बाहर निकालें। वाह, ये कितनी बढ़िया स्लाइम बनी है, क्या आप देख रहे हैं? पर ये समय है इसे और अनोखा बनाने का। हम अपने शानदार ट्रांसपेरेंट पर्ल से शुरुआत करेंगे। मैं बैग को कैंची से काटूंगी। याद रहे, कैंची ध्यान से इस्तेमाल करना दोस्तों। और अब चलो अपने मैजिकल पर्ल्स को बाउल में डालते हैं, बिल्कुल स्लाइम के अंदर। और हाँ, इतना काफी होगा। ठीक है, चलो देखिए ये कैसी बनी है। वाह, ये अब ज्यादा बढ़िया तो है, पर अब भी काफी चिपचिपी है। इन पर्ल्स ने स्लाइम पर सच में जादू कर दिया है। देखो कैसे स्ट्रेच होते हैं, कितनी शानदार है। वाह दोस्तों, खुद को रोकना काफी मुश्किल है। और ताकि स्लाइम सूख ना जाए, इसलिए मैं इसे एक स्पेशल कंटेनर में रखूंगी। अरे चलो भी अंदर जाओ। आह, काफी स्टिकी है, चलो इसे बंद करें। ठीक है, ये एक सिंपल स्लाइम लग रही है, पर इन ट्रांसपेरेंट पर्ल्स ने इसे काफी अलग बना दिया। इस बुक में और कई रेसिपीज हैं। चलो देखिए इसमें और क्या क्या है। हाँ, हमने बनाया बिल्कुल, ओह क्लाउड स्लाइम। हमें 50 मिलीलीटर पानी चाहिए, 10 मिलीलीटर ग्लू पाउडर और सिंपल स्लाइम। तो चलो बनाते हैं। मैं थोड़ी ग्लू लूंगी और ये बढ़िया ब्लू कलरिंग। वाह कितना अच्छा कलर है। चलो थोड़ा बबल गम सेंट भी डाल देते हैं और इसे बोरिक सॉल्यूशन से एक्टिवेट करें और मिक्स करें। और अब सही कंसिस्टेंसी लाने के लिए हमें इन सबको मिक्स करना होगा और थोड़ा सा जादू। आहा, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। वाह दोस्तों, क्या आप इसे ऊपर उठते हुए देख पा रहे हैं? क्या बात है, वाह, ओह ये काफी कूल है, बिल्कुल असली स्नो की तरह। ठीक है, सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाने का समय है और चलो शुरू करें। हम इसे थोड़ा थोड़ा डालेंगे। मैं इसे मिक्स करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा और। मुझे इसे बहुत अच्छे से मिलाना होगा। हे भगवान, कितना स्क्रेची है, क्या बात है, ये असली बादल जैसा लग रहा है। खैर, अगर हम बादलों को छुपाते, मुझे बहुत पसंद आए। लगता है जैसे मैं इनके साथ पूरा दिन खेल सकती हूँ और तब भी ये बोरिंग नहीं लगेगा। मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ। हाँ, ये देखा, एक सुपर कूल स्लाइम। ठीक है, ये इसे कंटेनर में डालने का समय है। ठीक है, अगली है फ्लफी कलर वाली क्ले स्लाइम, एक खास स्लाइम जो मार्शमेलो जैसी लगती है। मुझे लगता है ये एक अच्छा आइडिया है, चलो शुरू करें दोस्तों। वुहू, थोड़ा सा क्ले ले ले, बाहर आ जाओ और हम बचे हुए को अलग रख देंगे। ये क्ले ऐसे ही बढ़िया लग रही है, तो फिर स्लाइम में मिलने के बाद कैसे लगेगी? ठीक है, चलो अपने सिंपल स्लाइम को मिक्स करते हैं। बीज, मैं इसे रंगीन कर दूंगी। ये कलर काफी बढ़िया है, क्या आपको पसंद आया? मिक्स 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 मिक्स, और क्ले को मिक्स करें और सब कुछ एक बार फिर मिक्स करते हैं। आह, ये बिल्कुल मार्शमेलो फ्लफ जैसे लग रहे हैं। ये शानदार है, कितना बढ़िया स्ट्रेची मार्शमेलो है। और ये पेस्टल कलर कितना सुंदर है, मुझे नहीं पता था ये स्लाइम इतनी इलास्टिक हो सकती है। ठीक है, चलो इसे भी कंटेनर में डालकर ढक्कन लगा देते हैं। टाटा, मुझे लगता है ये यहाँ ठीक रहेगा। ठीक है, हमारे पास 3 स्लाइम्स पहले से हैं, पर इतनी काफी नहीं है। यहाँ कई सारी चीजें हैं, शायद मैं ग्लिटर लूंगी। पिछली स्लाइम पर्पल थी तो मैं पिंक लूंगी।
ये ग्लिटर काफी बड़े बड़े हैं, दूसरों जैसे नहीं। ठीक है, पूरे सेट को पिंक कलर की जरूरत पड़ेगी और कैंडी सेंट भी। टडा! शुरुआत ठीक ठाक है। ग्लू, अब मैं इसे आसानी से पहचान सकती हूँ। फिर हमें कलरिंग डालनी है। मैं कितनी डालूं? हाँ, ये इतना काफी होगा। और ये सेंट। कैंडी। अब चले इसे अपनी प्यारी स्पून से मिलाएं। ओह सुनो, यहाँ हमारे पास पिंक कैंडी ग्लू है। अब हम ग्लिटर ले सकते हैं। दूसरे कंपोनेंट से अलग, ग्लिटर को एक्टिवेटर से पहले डालना चाहिए। चलो बैग खोलें और ग्लिटर डालें। वाह, ये काफी सुंदर है, काफी चमकीला, शानदार। और ये एक्टिवेटर डालने का समय है और हम फिर से मिक्स करेंगे। थोड़ा और ग्लिटर डालें। वाह, ये काफी बढ़िया लग रहा है। हे दोस्तों, क्या ये कैंडी की तरह नहीं लग रहा? आह, खुशबू भी वैसी है। शानदार, जैसे कि इसके अंदर कैंडी भी हो। ये स्लाइम कमाल है, काफी स्ट्रेची है। ठीक है, चलो ढक्कन लगाकर इसे साइड रख देते हैं। ये काफी बाउंसी है। तो दोस्तों, ये वाली तैयार है। मुझे लगता है सैम को ये पसंद आएगी। वाह सैमी, ये स्लाइम बहुत कूल लग रही है। चलो देखें। ओह सैमी, तुमने बढ़िया काम किया। मुझे भी बिल्कुल ऐसी ही स्लाइम बनानी है। हाँ, ये बढ़िया क्वालिटी है। सैमी, तुम्हें सच में स्लाइम्स के बारे में काफी पता है। लगता है हमारा बेड तैयार है। ये इन कलरफुल पर्ल्स को इसमें डालने का समय है। याहू! कितना सुंदर है। और इन्हें अच्छे से मिला लें। हमें इन पर्ल्स को काफी ढंग से मिलाना होगा ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। वाह, ये बिल्कुल केक फ्रॉस्टिंग लग रही है। इसे खाने का मन कर रहा है पर नहीं खा सकती। स्लाइम्स खा नहीं सकते, ये बात याद रखना। मुझे ये पर्ल्स बहुत पसंद आए, ये कनफेटी जैसे भी लगते हैं। और चलो अब इसे रोल करके बॉल बना दें और हॉप, इसे बंद करें। तो हमारी अगली स्लाइम में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। हमने ऐसी स्लाइम पहले कभी नहीं बनाई। पहले बाउल में थोड़ा पानी डालें। ये इसकी शुरुआत है। हो गया, इतना काफी होगा। और अब कलरिंग, मैं ब्लू लूंगी। ये हो गया। और इसे फिर से अच्छे से मिलाएं। चलो अब इन स्पॉन्ज क्यूब्स को रंगीन पानी में डालें। ये सच में काफी मजेदार है, मुझे करते रहना चाहिए। ये क्यूब्स अच्छे से भीग जाने चाहिए। और बढ़िया। ठीक है दोस्तों, हमने क्यूब्स कलर कर लिए। अब हमें इनके सूखने का थोड़ा इंतजार करना होगा ताकि हम इन्हें स्लाइम में मिक्स कर सकें। ये हमारे क्यूब सूख गए हैं और मैंने अपने स्लाइम के बेसिस तैयार कर लिए हैं। इस स्लाइम को सूखने से बचाने के लिए मैंने इसे कंटेनर में रखा है। मुझे इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी और मैं इसे शुरू करूंगी। एक सिंपल ट्रांसपेरेंट स्लाइम। पहले मुझे इसे टेबल पर अच्छे से फैलाना होगा और इसे बिल्कुल कागज की तरह फ्लैट करना होगा। और फिर हमें इस पर क्यूब्स रखने होंगे और मिक्स 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 मिक्स। वाह, ये काफी अलग है। हे दोस्तों, जरा इस शानदार स्लाइम को तो देखो। वाह, ये कमाल है। मैंने पहले कभी ऐसे स्लाइम से नहीं खेला। ये कितनी कूल है, पता नहीं, पर ये मुझे अभी तक की सबसे अनोखी स्लाइम लगी। फिलहाल मैं इसे कंटेनर में डालूंगी और दूसरे स्लाइम्स पर ध्यान दूंगी। अपनी दोस्तों से मिलो और तुम यहाँ आओ। ओह, ये कलर भी काफी अलग है। हाँ, मुझे इसे अच्छे से स्मूथ करना होगा। और ये समय एडिशनल कंपाउंड्स का है। चलो ये व्हाइट स्टायरोफोम बॉल्स लेते हैं
और इन्हें अपने स्लाइम में मिलाते हैं। वाह, ये बिल्कुल बर्फ के हिप्स लग रहे हैं। अब हमें अपनी फिलिंग को ऐसे में रोल करना होगा। अगर कुछ गिर भी गया तो कोई बात नहीं, हम ये कर सकते हैं। हे भगवान, हमने शानदार स्लाइम बनाई है, बिल्कुल बाकियों की तरह। अगर आप सहमत हैं तो लाइक करें। मुझे इसे खींचकर सभी छोटे छोटे पोल्स को देखना पसंद है। कितनी मजेदार है, कितनी बढ़िया स्लाइम है। पर अब मैं आपको कुछ और भी बढ़िया दिखाने वाली हूँ। मैं कुछ स्लाइम्स लूंगी, इन सभी के अंदर स्टायरोफोम बॉल्स हैं। देखो ये सब कितनी अच्छी है। और ये रहा मेरा सरप्राइज, मैं इन सभी स्लाइम्स को एक साथ मिक्स करने वाली हूँ। बूम, और बिल्कुल डो की तरह कलर्स मिक्स हो रहे हैं। जरा इस बड़े स्लाइम को तो देखो, ये सारी बढ़िया रंगीन बॉल्स और ये शानदार यूनिकॉर्न कलर। यूनिकॉर्न कलर बेस्ट होते हैं, मुझे ये पेस्टल पसंद आए। ठीक है, अपने घर में जाओ। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पूरी हो चुकी है, पर अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम और यूनिकॉर्न स्लाइम्स बनाएंगे। बाय बाय। Thank you.